नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बताया जाएगा, कितने तक रैंक है तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा इसके बारे में बताया जाएगा। इससे पहले आप लोगों को एक और वीडियो मिला था कट ऑफ के बारे में, वो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देख लीजिएगा उसको। तो और इससे पहले आप लोगों को बता दूं, यूपी कैडेट 2024 के लिए जो नया बैच है वो जल्द ही शुरू हो रहा है। तो आप लोगों में से कोई हैं, आप लोगों के कोई छोटे भाई बहन हैं, अगर अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग उनको बता सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल से पिछले लगातार 2021 से तैयारी कराई जा रही है और काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हो रहा है। तो आप लोग उनको बता सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास चलाई जाती है मेरे चैनल पर। अब चलिए अब आप लोगों को बताते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिएगा बीएससी एजी के लिए जो कट ऑफ था उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ और उसमें आप लोगों को बता दिया है कि बीएससी एजी कितने तक मिल जाएगा। बीएससी एजी, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी वाले जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए तो कट ऑफ का वीडियो बना दिया था, लेकिन बहुत दिनों से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि बीबीएससी वाले बच्चों के कि बीबीएससी का कट ऑफ का वीडियो बनाइए सर। तो इसमें मैं बीबीएससी वाले बच्चों के लिए कट ऑफ का बनाऊँगा। जो बीएससी एजी वाले बच्चे हैं वो लोग जो पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ उसमें मैंने बताया कट ऑफ के बारे में, तो वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। द नॉलेज प्लाजा पे जो वीडियो पड़ी हुई है वो आप लोग देख लेंगे। तो इसमें देखिए बीबीएससी वाले बच्चों के लिए बताता हूं, तो बीबीएससी वाले बच्चे देखेंगे यहां पे देखिए सबसे पहले जनरल के लिए, जनरल वाले जो बच्चे हैं उनकी रैंक अगर 200 तक है, अगर 200 तक उनकी रैंक है तो उन लोगों को फ्री सीट मिल जाएगा और पेड सीट भी रहता है इसमें। तो जनरल वालों के लिए जो पेड सीट है 200 तक तो फ्री मिल जाएगा, 200 तक रैंक है उनको फ्री मिल जाएगा। फर्स्ट में नहीं मिला है तो परेशान मत होइएगा, सेकंड काउंसलिंग में मिलेगा, सेकंड में नहीं मिलेगा तो थर्ड काउंसलिंग में मिलेगा, आप लोगों को मिल जाएगा 200 तक फ्री सीट मिल जाएगा। और थर्ड में अगर फ्री नहीं मिलता है, वैसे तो 200 तक मिल जाना चाहिए एक, फिर भी अगर जिसका 190 तक है उसका तो बिल्कुल क्लियर है, और 200 पे नहीं मिलता है अगर सेकंड में, तो आप लोग थर्ड में पेड सीट भी फिल कर देंगे। वैसे सेकंड में आप लोगों को पेड सीट फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग सेकंड में पेड सीट फिल कर देंगे तो आप लोगों का जो पैसा है वो फ्री सीट होने पे पैसा जो है वो वापस नहीं आएगा, पैसा जो है वो बर्बाद चला जाएगा आप लोगों का, इसलिए सेकंड में आप लोग पेड सीट फिल नहीं करेंगे। अब पेड सीट इनको कहाँ तक मिल जाएगा, तो पेड सीट अगर इनकी 300 से 350 रैंक तक है, 350 तक, 350 रैंक तक, 300 से 350 रैंक तक इनको पेड सीट मिल जाएगा। अब बात करते हैं ओबीसी वालों की, ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उन लोगों को फ्री सीट जो है वो 300 से 350 रैंक है, 300 से 350 रैंक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। 300 से 350 तक रैंक है तो उन लोगों को फ्री सीट मिल जाएगा और पेड सीट इन लोगों को मिल जाएगा। पेड सीट अगर लेना चाहते हैं तो पेड सीट आप लोगों को 500 से 550 रैंक तक मिल जाएगा, 500 से 550 रैंक तक आपको पेड सीट मिल जाएगा। और इस पे भी डिपेंड करता है कि कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, कितने बच्चे एडमिशन छोड़ते हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। पेड सीट देखो ज़्यादा लोग नहीं लेते हैं, और एक एनआरआई सीट भी होता है, एनआरआई सीट इससे भी ऊपर मिलता है लेकिन उसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो ज़्यादातर वो कोई एक आधी कोई ले पाता है, उसको कोई परचेज नहीं कर पाता एनआरआई सीट को। अब ओबीसी वालों की बात कर दी, अब एससी वाले जो स्टूडेंट हैं, एससी वालों को जो फ्री सीट है, फ्री सीट इनको 1000 तक भी मिल जाएगा, 1000 या 1000 से ऊपर भी रैंक है तब भी इनको फ्री सीट मिल जाएगा और पेड सीट उससे ऊपर भी मिल जाएगा। तो एससी वाले जो बच्चे हैं, जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं, वो वेटनरी के लिए काउंसलिंग ज़रूर कराएं, वेटनरी के लिए काउंसलिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि उन लोगों को मिलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि इन लोगों की कट ऑफ जो है वो बहुत कम जाती है। 1000 रैंक है, 1500 रैंक तक भी आप लोगों को फ्री सीट मिल जाएगा एससी वाले जो बच्चे हैं। तो आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बता दिया है, जो बीएससी एजी वाले बच्चे हैं उन लोगों के कट ऑफ के बारे में पहले ही बता दिया था, वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे जाके आप लोग देख सकते हैं, चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। चलिए हम मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।